हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ डाबर का क्लोव कैविटी प्रोटेक्शन टूथपेस्ट, हर्बल टूथपेस्ट है। और इससे पहले अगर आपने देखा हमारे व्लॉग्स फॉलो करते होंगे तो हमने डाबर का नीम टूथपेस्ट का भी रिव्यू किया हुआ है, काफ़ी उसको लाइकिंग मिली भी है। वो है जर्म प्रोटेक्शन, ये है क्लोव का कैविटी प्रोटेक्शन। आप जैसे जानते हैं कि दांतों में लौंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, कि जब हमारे छोटे होते थे, हम हमारे दादा दादी जो होते थे, हमारा दांत दर्द होता था तो हमारे को कह देते थे कि दांतों के नीचे लौंग दबा लो, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। तो शुरुआत में अगर आप किसी को याद हो कि प्रॉमिस का टूथपेस्ट आता था जो लौंग का बना हुआ होता था, अब तो शायद पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता। तो ये क्लोव का टूथपेस्ट है, डाबर ने बनाया हुआ है ये, और इसके अंदर एक नेचुरल एनेस्थेटिक होता है यूजिनॉल का नाम से क्लो ये लौंग के अंदर, जो आपको जो दांतों का दर्द होता है कैविटी के कारण जो दर्द होता है उसके अंदर आराम देता है, उस जगह को सुन कर देता है वो। तभी वो कहते थे हमारे पुराने ज़माने में कि दांत के नीचे आप लौंग दबा लीजिए। और ये काफ़ी मैं इसको यूज़ किया है और काफ़ी अच्छा, टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा है, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ बैक्टीरिया कॉजिंग कैविटीज़, इससे मुक्त करता है ये। क्लोव फाइट्स बैक्टीरिया एंड पेन, दर्द में तो जैसे मैंने बताया नेचुरल एनेस्थेटिक है कि इसमें यूजिनॉल होता है, आपको वो दर्द नहीं होने देता है। और स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी टीथ के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो जैसे ये लिखा हुआ आपने, क्लोव हैज़ बीन यूज्ड ओवर द ईयर्स टू प्रोटेक्ट टीथ फ्रॉम कैविटीज़ एंड रिलीव डेंटल पेन। यूजिनॉल इज़ द मेन कंपोनेंट, जैसे मैंने बताया था, ऑफ द क्लोव एंड इज़ पावरफुल एनल्जेसिक पेन रिलीवर प्रॉपर्टी एंटीसेप्टिक गुण भी होते हैं इस यूजिनॉल के अंदर, मेकिंग इट एन एक्सलेंट चॉइस फॉर कैविटी प्रोटेक्शन, दांतों के अंदर जो कैविटीज़ हो जाती हैं उससे बचने के लिए ये बहुत अच्छा टूथपेस्ट है। बशर्ते आप दो बार करें इसको सुबह शाम, क्योंकि हमारे जब हम खाना खाते हैं सुबह तो हम नेचुरली ब्रश करते हैं, रात को बहुत कम लोग ब्रश करते हैं, दो बार कम नहीं करते वो, और उसके कारण दांतों में खाना जम जाता है, जिसको प्लाक कहते हैं, प्लाक जम जाता है, उससे वो सड़ जाता है, जिसके कारण हमारे को कैविटीज़ हो जाती है दांतों के अंदर। और ये कैविटी प्रोटेक्शन है। एक इनका तुलसी का भी आता है, उसका भी मैं करूँगा, और एक दंत रक्षक भी आता है टूथपेस्ट क्लोव का, और काफ़ी अच्छा इसका अब ये देख सकते हैं 0% एडेड फ्लोराइड नहीं होने चाहिए, पैराबीन होता है, ये कॉस्मेटिक्स में यूज़ करते हैं जिससे प्रिजर्वेटिव होता है। पर एक चीज़ इसके अंदर मेरे को जो वो लगी है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट वाटर ग्लिसरिन एक्सट्रैक्ट ऑफ बबूल जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, लोधरा जामुन सिलिका, ये सोडियम लॉरल सल्फेट जो ये है, ये थोड़ा सा वो है कि इसके सिवाय अगर वो कुछ और यूज़ कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि सोडियम लॉरल सल्फेट जो होता है लेमन लैंग्वेज में एक दांतों का डिटर्जेंट होता है, जिसको कहते हैं हम एक मतलब आम जो समझने के लिए जो साबुन सा जो क्रिएट होता है वो सोडियम लॉरल सल्फेट होता है। वैसे ही ये केमिकल ये लिखा हुआ 100% 0% पैराबीन एंड फ्लोराइड और 100% वेजिटेरियन, पर इसके अंदर अगर वो हट जाए तो ये काफ़ी बेहतरीन टूथपेस्ट बन जाएगा, क्योंकि मोस्टली जो आयुर्वेदिक टूथपेस्ट होते हैं उसके अंदर ये SLS नहीं होता है, कईयों में होता है, पर जो बेस्ट टूथपेस्ट होते हैं उनमें ये नहीं होना चाहिए SLS जिसको कहते हैं हम। इसमें क्लोव ऑयल है, मिंट ऑयल है, बाकी ये सब आप देख सकते हैं, इसके सामने आप देख सकते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। और ये है कितने का आता है, ये 90 रुपये का आता है एक, इसकी 2 साल बेस्ट बिफोर डेट है फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डाबर मैन्युफैक्चर करता है। डाबर के टूथपेस्ट बहुत अच्छे होते हैं, नीम का टूथपेस्ट भी बहुत अच्छा था इसका। और ये देख सकते हैं हर्ब नंबर 1 कैविटी प्रोटेक्शन टूथपेस्ट, मैं आपको अंदर से इसकी डब्बी खोल के इसके अंदर वो दिखा देता हूँ, ट्यूब कैसी है, ट्यूब प्लास्टिक की है, ये देख सकते हैं आप, ये कुछ इस तरह की ट्यूब है, ये देख सकते हैं सेम थिंग वहाँ लिखी हुई है। और ये बहुत अच्छा है दांतों के लिए, दांत के दर्द के लिए, कैविटीज़ के लिए, क्योंकि क्लोव का नेचुरली काम एक एस्ट्रिंजेंट, एक एनल्जेसिक, एक एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है दांतों के दर्द के लिए। तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें, यदि आपने कभी इसको यूज़ किया है और आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट में शेयर करके बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।